हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। सो गाइस, आज इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत छोटा सा लेकिन बहुत ही शानदार पॉइंट आप लोगों के लिए। अक्सर इसमें स्टूडेंट्स को कंफ्यूज होते हुए देखा गया है और इसका यूजेस काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग भी है। गाइस, हम लोग आज बात करने वाले हैं इट्स और इट्स की, दोनों को किस तरह से यूज़ करना है, इन दोनों पर हम लोग बात करेंगे। पहला यूज़ है आपका इट्स का, इट्स जो कि एक पजेसिव फॉर्म है प्रोनाउन की, जिसका मतलब होता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इसका इसकी, यानी कि का की के अर्थ में हम लोग इसका इस्तेमाल किया करते हैं। गाइस, कुछ एग्जांपल्स से इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मैंने कहा, इट्स फ्रंट डोर विल ओपन व्हेन यू आर नियर बाय, मीन्स इसके दरवाजे खुल जाएंगे जब आप इसके नज़दीक आएंगे। तो यहाँ पे इसका के अर्थ के लिए हम लोग इट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल समझते हैं, जैसे कि उसने कहा, दिस फ्रॉग इज़ टू स्मॉल फॉर इट्स एक्वेरियम, मीन्स ये फ्रॉग काफ़ी स्मॉल है अपने एक्वेरियम के हिसाब से। तो गाइस, यहाँ पे इट्स का मतलब फ्रॉग के लिए इस्तेमाल हो रहा है। एक और एग्जाम्पल समझिएगा, दिस बुक इज़ बेटर देन इट्स कवर वुड सजेस्ट। सो गाइस, यहाँ पर इट्स का इस्तेमाल ये बुक के लिए किया जा रहा है। ये इसका पहला यूज़ है, पजेसिव फॉर्म में यूज़ हुआ करता है प्रोनाउन के। अगला जो है वो है आपका इट्स, ये एक कॉन्ट्रैक्शन है इट इज़ की, इट वॉज़ की, या फिर इट हैज़ की। इसके लिए भी हम लोग एग्जांपल से समझते हैं कि क्या कहना चाह रहा है। कुछ एग्जांपल्स पर निगाह डालते हैं इट्स के, लाइक इट्स ऑलवेज रेनिंग, इसका मतलब है इट इज़ ऑलवेज रेनिंग, या फिर इट वॉज ऑलवेज रेनिंग। सम डेज आई थिंक इट्स अ वंडरफुल वर्ल्ड, मीन्स सम डेज आई थिंक इट इज़ अ वंडरफुल वर्ल्ड, या फिर सम डेज आई थिंक इट वॉज अ वंडरफुल वर्ल्ड। अब इसका इस्तेमाल इट हैज़ के रूप में किस तरह से होगा, जरा उसको भी देखेगा। उसने कहा, इट्स बीन एन अनफॉरगेटेबल डे, मीन्स इट हैज़ बीन एन अनफॉरगेटेबल डे। सो गाइज, ये इसका प्रॉपर यूज़ है इट्स और इट्स का। कैसी लगी आपको आज की वीडियो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और एक एक एग्जांपल्स दोनों का आप भी रखिएगा। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।